दोस्तों घड़ोली वार्ड में हूँ, जो 006E आता है, और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं आखिर समस्याएं क्या क्या हैं। क्या क्या समस्याएं बाबा यहाँ पर, जो निगम के अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए आप क्या चाहते हो कि आपका जो प्रत्याशी जीते वो क्या काम करें आप? हमारे लिए विकास विकास की है। नाली नाली इतने सफाई नहीं होती यहाँ पे। ये नहीं, किसको समर्थन करते हैं कि कौन आना चाहिए? हाथी वाला आना चाहिए। हाथी वाले आने चाहिए। हाँ जी, हाथी वाले के काम से आप खुश रहेंगे? हाँ बढ़िया, बिल्कुल। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर आपसे भी जानना चाहूँगा क्या काम होने चाहिए यहाँ पर? काम तो जी देखो प्रॉपरली सारे काम हो रहे हैं लगभग। तो अब जैसे कि आप इन्होंने अंकल जी ने बताया कि नालियों का काम भी है, ठीक है जी, प्रॉपर विकास चल ही रहा है, सड़क भी जल्दी बन गई है, सब कुछ हो रखा है। पहले भी यहाँ पर BSP का काउंसलर रहा हुआ है, तो अब क्या चाहते हैं, अब भी BSP का ही रहे या कोई अदर पार्टी आनी चाहिए? नहीं, BSP का ही रहे। BSP का रहे, तो आपकी वोट कहाँ जा रही है? मेरी तो BSP को ही जाती है। आपको BSP को जाती है। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ की समस्याएं जान रहे हैं कि समस्या क्या क्या है और किसको वोट दिया जाए। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोग इकट्ठे होते हैं और चर्चाएं जहाँ होती हैं वो होती हैं सैलून पे। जी हाँ, नाई की दुकान पे, सैलून पे होती हैं। धर्मेंद्र जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास और चर्चाएं जो होती हैं वो ज़्यादातर सैलून पे ही होती हैं, तो क्या लगता है कि पिछली बार का जो विकास है वो सही हुआ है, और कितना विकास और होना चाहिए, और कौन सी पार्टी आनी चाहिए? यहाँ तो BSP आनी चाहिए। BSP के कैंडिडेट पहले भी जिताए थे, अब भी जिताएंगे जी, अब भी जिताएंगे। आपके पास लोग आते हैं पर उसमें बहुत सारी बातें ये होती होंगी कि आम आदमी पार्टी है, BJP है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, तो कौन से के लिए वो आ रहा है? इलेक्शन है ना, ये ज़्यादा बड़े इलेक्शन नहीं है, यहाँ कैंडिडेट देखा जाता है, छोटे इलेक्शन जी, तो इसलिए जो अपने पड़ोस का, अपनी कॉलोनी का बंदा देखा जाता है, देखा जाता है। तो इस बार अगर कोई, जैसे आप पड़ोस की बात कर रहे हैं तो सारे ही पड़ोसी हैं हर पार्टी के, तो अगर यहाँ की जो चर्चा चल रही है, आपकी दुकान में जो चर्चा चल रही है, अच्छा सारे लोग बाहर के हैं, और BSP का अगर आएगा तो? ये तो पुराने BSP में पुराने जुड़े हुए पड़ोसी हैं, कॉलोनी के हैं, और जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं ना वो सब बाहर के हैं, यहाँ का लोकल नहीं है। अच्छा, यानी लोकल आदमी काम कर सकता है, बाहर का नहीं कर सकता? नहीं, नहीं कर सकता। और आपकी दुकान पे क्या चर्चा चल रही है? चर्चा हमारे यहाँ BSP की चल रही है। BSP की चल रही है, तो MCD में इस बार BSP आएगी पक्का हमारे यहाँ से। और आपका वोट कहाँ जाएगा? BSP पे। देख लो कहीं आपके ग्राहक ये कहते हैं ये तो BSP वाले आदमी, हम नहीं आएंगे। नहीं, हम BSP को जिताएंगे, पहले भी जिताई थी। अच्छा, इस बार भी? हाँ जिताएंगे, बिल्कुल। ये वो दुकान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा चर्चाएँ बहुत होती हैं, और लोग इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दुकानों पे ही जब सबसे ज़्यादा आते हैं, डॉक्टर की दुकान हो गई और भी बहुत सारी दुकानें हो गई। डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आपके यहाँ पर आते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार MCD का माहौल कहाँ चल रहा है? मैदान में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, आम आदमी पार्टी है, BJP है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, सारी पार्टियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुजन का सबसे अच्छा वो रहता है जी। यानी घरौड़ी वार्ड में पहले भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीता था, इस बार भी आप वही चाहते हैं क्या? हाँ जी। आपका रुझान कहाँ पर है? हमारा रुझान BSP की तरफ, BSP की तरफ है। और यहाँ की जनता जो आपके पास आती है ट्रीटमेंट कराने, उनका? जनता भी BSP को ही चाहती है, BSP को चाहती है। इस बार घड़ौली से छवि कुमार जी प्रत्याशी के रूप में आ सकती हैं जी, तो क्या अगर वो आती हैं तो आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल, तन मन धन से हम साथ देंगे। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? एक अच्छे परिवार से हैं वो, और पहले भी उनके जो पति हैं वो लड़ चुके हैं 2 बार जी, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन देखते हैं आपके क्या होता है। यानी कि आपको लगता है कि समाज सेवा के साथ साथ वो अगर राजनीति करके अगर आपके क्षेत्र का उद्धार करना चाहें तो वो सही रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्षेत्र के उद्धार के लिए तो नंबर वन रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर वासुदेव जी। वासुदेव जी ने कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए छवि कुमार जी बहुत बढ़िया रहेंगी, और उनकी छवि भी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, और इस शहर, इस क्षेत्र की छवि सुधारने के लिए छवि कुमार जी अच्छी रहेंगी। और लोगों से? हमारे यहाँ तो BSP आनी चाहिए। BSP आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का भी अच्छा खासा जोर चल रहा है, BJP भी चल रही है, कांग्रेस भी चल रही है, तो BSP ही क्यों नहीं? हमें तो BSP पसंद है सर, से पसंद BSP पसंद है, और BSP चाहता हूँ। पहले भी BSP को आपने
चिताया था इस बार भी हम बीएसपी को देते जी। और अब की बार शायद आपके पड़ोस से ही कोई ना कोई अगर कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो तन मन धन से उनके साथ लगेंगे या हम तो शुरू से बीएसपी को देते हैं। बीएसपी को देते जी बिल्कुल बीएसपी के ही हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और भी जानते हैं। सर निगम के इलेक्शन आ रहे हैं और आपका वार्ड के लिए भी बहुत सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं हर पार्टी के, तो किस पार्टी को चाह रहे हैं आपकी, किस कौन सी पार्टी इस शहर में आनी चाहिए? हमारे इस वार्ड के अंदर तो जी बीएसपी आएगी और काम जो पिछला हुआ है बहुत अच्छा जुझारू कार्यकर्ता के रूप में होता है, इसलिए यहाँ की जो जनता चाहती है वो बीएसपी को, ओनली बीएसपी चाहे खड़ा कोई भी हो जाए, वो कोई भी हो जाए कैंडिडेट हमारा कोई भी आएगा बीएसपी से उसको सपोर्ट किया जाए, यानी बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी को ही दिया जाए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, घड़ौली वार्ड से बीएसपी में दमखम लग रहा है, सर आपसे भी जानना चाहूंगा कौन आ रहा है इस बार यहाँ पर? यहाँ तो जी अपने पहले से जो हो रहा है बीएसपी का ज्यादा, बीएसपी का। हाँ जी, तो इस वार्ड में बीएसपी? हाँ, यहाँ इस वार्ड में बीएसपी का ज्यादा हो रहा है पहले से। आप कहाँ वोट दे रहे हैं? मैं भी बीएसपी को दूंगा जी, बीएसपी को दे रहे हैं। और कह सुनने में ये भी आता है कि कहते तो हम है कि मैं इसको दूंगा इसको दूंगा, पर जब बटन दबाने जाते हैं तो शायद चेंजेस हो जाती है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, जो फोर्थ वोट है और साइलेंट वोट है वो बीएसपी का हमेशा ऐसा साइलेंट रहता है, बीएसपी का रहता है। हाँ जी। और इस बार शायद ऐसा लग रहा है कि आपके आस पड़ोस में से कोई आने वाला है कैंडिडेट? भाई कैंडिडेट तो हमारे जहाँ तक है मेरे समाज गली का ही होगा, यहाँ तक जी जो हम सुनने में आ रही है मेरी गली से ही मेरे समाज का ही होगा वो भी जी, तो सीधी बात है। वैसे भी हम कट्टर बीएसपी के हैं और वैसे थोड़ी बीएसपी देते हैं। अच्छा, बीएसपी में 3-4 कैंडिडेट आ रहे हैं इस वाले वार्ड पे जी, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं नाराजगी हो जाए इसको टिकट नहीं मिला इसको टिकट नहीं मिला इसको मिल गया? नाराजगी नहीं होगी, जब समय आएगा सब एक हो जाएंगे, और ये नाराजगी तो होती है थोड़ी बहुत हर पार्टी में होती है, लेकिन बीएसपी के कैंडिडेट ऐसा है कि यहाँ का जुझारू बढ़िया नेता है, यहाँ का जो अब मुझे टिकट मिलने जा रही है वो मजबूत खड़ा होगा, और उसके साथ वो लोग भी खड़े होंगे जो उससे थोड़ा बहुत नाराज होते हैं ना वो भी हो जाएंगे। आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि टिकट हो किसकी लिए? मेरे हिसाब से चमन कुमार जी की वाइफ हो रही है, छवि की। छवि जी की जी, तो छवि जी के बारे में कुछ आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मेरे तो व्यक्तिगत संबंध भी है, मेरे गली मोहल्ले के भी हो। अच्छा जी, यानी लोकल ही है? हाँ बिल्कुल लोकल है जी, मेरे करीबी है, पास में मेरे। अच्छा जी, मैंने सुना है बहू भी यहीं की और बेटी भी यहीं की। हाँ जी, बेटी भी यहीं की बहू भी यहीं की है, और बेटी भी इसी गली की थी पहले, अब तो यहाँ से उनके पिताजी बेच के कहीं और चले गए हैं, बाकी पहले बेटी भी यहीं की थी और बहू भी यहीं की है, इसी गली की है जी। यानी कि क्षेत्र का विकास होना निश्चित है? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा उनके। हाँ बिल्कुल होगा सर। और युवाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं, सर आप बताएं, आप युवा हैं और युवा ही सबसे ज़्यादा उलट फेर करते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? कौन आ रहा है युवा? यहाँ तो बीएसपी आई, बीएसपी आई जी, और कोई पार्टी का वो नहीं? और पार्टी देखो रैलियाँ तो सब निकाल रहे हैं, अभी मैंने देखा आम आदमी पार्टी भी निकल गया, कांग्रेस वाला भी नहीं निकल रहा है, बीजेपी वाला भी निकल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत सारे लोग गए थे, तो क्या देख करके समीकरण बन रहा है या आकलन कुछ ऐसा आ रहा है कि बीएसपी करेंगे? हमारे तो शुरू से बीएसपी को जाती है, बीएसपी को जाएगी जी। 006E में हूँ मैं और गली में इसमें घूम रहा हूँ, मैं पूरे इसमें मार्केट के लोगों से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं और गॉसिप होती हैं, बातचीत होती हैं, चर्चाएँ होती हैं, तो वो मार्केट में ही होती है, तो मार्केट के कुछ लोगों से और भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि उनका और उनके ग्राहकों का क्या समीकरण बन रहा है कि इस वार्ड में कौन आना चाहिए। बाबा नमस्कार, कहाँ जा रहे हो अब की बार, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं एमसीडी के? सरकार कोई अभी नहीं, इलेक्शन आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ वोट दोगे? वोट देंगे बताएंगे टाइम पे। अच्छा, अभी तो वैसे हल्ला हो रहा, अभी कहाँ भी किसी को लगती नहीं, तो पहले वाले प्रत्याशी ने काम नहीं किया है नहीं? पहले भैया वही कर रहे हैं, पहले हमारे संजय चौधरी कर रहे पहले। अच्छा, अब देखो अब दूसरी पार्टी आएगी, अब देखो पता चलेगा, अब देखो तो पार्टी चेंज करोगे या पिछली बार बीएसपी का रहा था यहाँ, तो ये बीएसपी को बीएसपी वाला रहेगा यहाँ, तो जब पहले है यहाँ वही रहेगा भाई, यहाँ तक वही रहेगा। हाँ जी, तो फिर यानी कि आपका वोट कहाँ जा रहा है अब तो बता दो। तो बीएसपी उसी में जाएगा, जब यहाँ जीत भाई, जब हमारा यहीं का रहेगा तो उसी को देंगे हम, तो उसी को। हाँ क्यों? अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर यहाँ से आपका बीएसपी का प्रत्याशी जीतता है तो उससे आप क्या चाहते हो कि वो क्या करे तुम्हारे क्षेत्र में?
काम का हमारा सही है रहो, हमारा सब चीज़ें बिजली पानी सब चीज़ आ रहा है, हाँ सही सब चीज़ें। हाँ नाली ये थोड़ी खर्चे कर रखे हैं टनल में, इसको पता क्या होगी करेंगे थोड़ा बहुत। ये हमारी जो नाले हैं ना ये बहन जो तोड़ दिया पहले सर ने, है जी वो तो शायद वो तो ठीक करने के लिए तोड़े ना, पहले टूटेंगे तभी तो सही होंगे। अरे कहाँ तोड़ा होगा नीचे ये खड्डे नो करो जी, हमें तो करूँगा सिर्फ मान तो ये गुना कोई झागो नहीं है फिर सर। हाँ जी तो अब ये लग रहा है कि चमन कुमार जी की वाइफ जो है वो शायद यहाँ से इलेक्शन लड़ सकती है। अगर आपकी पड़ोसन लड़ेगी यहाँ से तो ये गड्ढे जो दो दो फुट के हो रहे हैं वो छह इंच के हो सकेंगे ना। तो जब आएंगे तो भाई पड़ोसन में हम तो बोलेंगे तो भाई करवा हमारे काम क्यों जी। अच्छा क्या क्या करवा लोगे? हाँ जी ये भी तो क्यों जी हाँ जी। तो वोट कहाँ जा रहा है फिर? तो वहीं जाएगा जो भाई पड़ोसन में तो है भाई, फिर भी हमारा वैसे क्यों जी। जी बिल्कुल बस दूर का दूर हम आपसे भी जानना चाहूँगा। हाँ जी बोलो जी, कहाँ वोट दे रहे हो? वोट तो हम अपनी गली वाले को देंगे, हमारा जो है आदमी उसको बगैर कैसे वोट देंगे हम। पर बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो पार्टी को वोट देते हैं, कैंडिडेट कहीं का भी हो बाहर का भी हो तब भी वोट दे देते हैं। पार्टी तो ना मतलब हमारे को तो हमारी गली ना मतलब लिया, वो हमारा को सुधार करेगा, दूसरा कौन आपके करेगा, कोई नहीं करेगा। तो आपकी गली से तो एक ही नाम आ रहा है बस, चमन लाल जी की वाइफ छवि कुमार जी का। हाँ जी हाँ जी वही आएगी, हम तो उसको वोट दे रहे हैं बिल्कुल जी उसको। वो तो बीएसपी से खड़ी होंगी बाबूजी, किसी ना पार्टी ना कोई मतलब नहीं हमारा। अच्छा हम तो अपनी रोटी करके खानी है, हमें क्या मतलब लिया, हमें तो उसका ही फायदा, जो हमारी गली में आएगा वो हमारा काम कर रहे हैं बढ़िया, तो हमें उसे वोट कहाँ जा रही है? हम वोट बताओ जी बीएसपी से खड़ी है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल वहाँ जाएगी, बीएसपी को जाएगी बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं उनसे और भी जानने की कोशिश करते हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग लोगों के समीकरण बनते हैं। कुछ यहाँ से भी बाबूजी से भी पूछना चाहेंगे। बाबूजी पानी पी रहे हो चाय पी रहे हो? पहले तो ये बताओ पानी साफ आ रहा है? साफ है सर बिल्कुल। ये चोट कैसे आ गई? गिर गया सर काम करते हैं। काम करते वक्त ये ऐसे तो नहीं रोड वोड खराब हो रही है तो उसकी वजह से हो गई? ऐसा नहीं सर। कहाँ जा रहा है आपकी बार वोट आपका? ये अपने पतासी में। कौन से पार्टी का नाम बताओ? बीएसपी को वोट जा रहा है। लगता है कि बीएसपी का दमखम दोबारा शुरू हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका वोट कहाँ है? यही सर यही है। युवा आपके बेटे हैं ये? जी सर। आपका वोट कहाँ जा रहा है? कोंडली का सर हमारा। नहीं कोंडली में ही है, घड़ोली कोंडली का है। हाँ। पार्टी तो पूरी दिल्ली में लड़ रही है, तो आप वोट कहाँ दे रहे हैं? हम तो बीएसपी को देते हैं शुरू से ही बीएसपी को देते हैं। इस बार भी बीएसपी का ही है बिल्कुल। चलो युवाओं का भी मानना है कि बीएसपी को ही वोट देना है, और बहुत सारे लोग हैं जो बीएसपी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इस घड़ौली वार्ड से तो बहुत कर रहे हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी नमस्ते, कैसे हैं आप? इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट दे रहे हो आपकी बार? ओके बाद उसे ही देंगे, अभी मायावती बहन को। मायावती बहन को तुमने तो मायावती वाला ही वो पहन रखा है। हाँ इसलिए तो पहन रखा है। अच्छा तो आपके पड़ोस में छवि कुमार जी आ रही है आपकी बात? अच्छा तो देख लेंगे। चमन कुमार जी की वाइफ हमारा, जानते हो चमन कुमार जी को? हाँ बिल्कुल जानते हो। बिल्कुल जी। तो क्या क्या चाहते हो उनसे कि अगर वो जीत जाए तो क्या करेंगे आपके क्षेत्र में, क्या क्या काम करेंगे? काम बढ़िया करें और कहा है तो काम बढ़िया करें वही बढ़िया है, बस अब जो तो ना ऊपर से लेके और बस खा के और डकार मार के बैठ गए घर में, बात फिर अगार गुका ले लेंगे। लगता है कि नहीं 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 मार जाएंगी? ये तो बढ़िया आदमी है, ये तो और अपने तो पड़ोस की बात है। हाँ। ये तो हमें और खुशी होगी। ऐसा तो नहीं है पड़ोसी है इसलिए तारीफ कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा हो जाता है कि पड़ोसी पड़ोसी की तारीफ करता है? तुम आज ही जा देना वोट पर, तुम अगर मोहर लगा देंगे बोलो। हाँ अब तो मोहर लगती नहीं, अब तो बटन दबा, बटन तो दबेगो, बटन तो दबेगो भाई, तुम चलियो भाई संग बोलो। कहाँ दबेगो फिर? हाथी पे, हाथी पे और पक्की देख लो। अरे हम हाथ उठा के कहते हम काऊ तो डक थोड़ी रहे। अच्छा काऊ को ले खा रहा होगा यानी हाथी आ रहा है इस बार। मैडम आपसे भी जानना चाहेंगे युवा हो आप कहाँ वोट दे रहे हो? ये तो हमारी फैमिली है तो यहाँ हो ये लोग वोट देंगे वही हमारा। जबरदस्ती दे रहे हो क्या? नहीं नहीं जब मन करेगा तब बाहर रुको तो सही। अरे बच्चों को भी तो कहने दो, जबरदस्ती काय को करवाओगे? अलग अलग थोड़ी है, अलग नहीं है तभी तो पूछ रहे। आपका मन कहाँ कर रहा है?
हाँ हाथी पे ही जाएगा, हाथी पे ही जाएगा, पक्की बात है, पक्का। आपकी पड़ोसन आ रही है, भाभी है शायद आपकी, है ना? हाँ भाभी बोलते हैं, पड़ोस में है तो भाभी लगी है ना। छवि कुमार जी का इस बार जो है इस घोंडली में अच्छा दमखम चल रहा है। अरे और भी हैं, सैलून की मैं बात कर रहा था, भाई साहब लोग आते हैं बहुत आपके यहाँ पर, दाढ़ी बनवाने, शेप बनवाने, मसाज करवाने, क्रीम पाउडर लगवाने और बहुत बढ़िया बढ़िया काम कराने आते हैं। क्या लग रहा है कि लोगों का क्या रुझान है, किसको वोट दिया जा रहा है? मैं तो ये उसको हाथी भी वोट दूंगा, पहले से देता हूं। आप तो दे रहे हो, पर औरों की बताओ जो दुकान में लोग आते हैं। नहीं हाथी, हाथी तो करते हैं वो? नहीं बिल्कुल करते हैं, हाथी हाथी हाथी, मेरे लिए हाथी 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 भैया, हाथ में हाथी हाथी है इनका तो, और कोई शब्द ही नहीं है, सिर्फ हाथी हाथी चल रहा है। और लोगों से भी बात करते हैं, आइए। इस बार एमसीडी में कौन आ रहा है और किसको ला रहे हो आप? हम तो अपने बहन जी को देते हैं वोट हमेशा। अच्छा बहन जी कौन? मायावती। मायावती जी को, यानी वोट जो है वो बीएसपी को? बीएसपी का। इस बार किस पे दे रहे हैं आप? इस बार भी वही देंगे, इस बार भी वही दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार छवि कुमार जी जो है, जो चमन कुमार जी की वाइफ है, उनकी टिकट की बातचीत चल रही है, अगर वो आती है तो सही रहेगा? सही रहेगा, काम या कैंडिडेट कोई और होना चाहिए? नहीं नहीं, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, तो काम होगा, जबरदस्त होगा, बिल्कुल होगा जी। और आपके क्षेत्र का भी उद्धार हो सकेगा? हो सके। वोट अब की बार कहाँ दे रहे हो? यही देंगे हम तो, हाथी पे देते हैं सर हम जी। धन्यवाद। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं सर। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार कौन सी पार्टी आपके क्षेत्र में आनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ इस मसले में, मैं पार्टी का आदमी तो हूँ नहीं दिल्ली में, मगर अब के चमनलाल जी यहाँ से खड़े होंगे तो हम वोट उनको देंगे। कर्मठ कर्मचारी हैं, कर्मठ कर्मचारी हैं और अपनी कॉलोनी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वैसे भी काम करते हैं, और यदि इन्हें पद मिल जाता है तो और भी बढ़िया काम करते हैं। पर इस बार जो है वो जेंट्स सीट नहीं है, लेडी सीट है, अगर चमन जी की वाइफ आती है तो भी उनका साथ देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे जी। आम आदमी पार्टी का ना तो कोई आदमी यहाँ तक आया आज तक, और ना ही कोई काम किया है जी। पहले भी थे एमएलए और अब भी एमएलए हैं, ये कोई यहाँ नहीं आया, ना किसी ने काम करवाया है जी। हमारे तो छोटे मोटे काम जो हैं ये वकील साहब करा देते हैं, और इसके अलावा यदि कोई कॉलोनी का और खड़ा होता है तो हम वोट देंगे बीएसपी को। देंगे बीएसपी को, यानी आप बीएसपी का ही कार्यकर्ता नहीं है जी? हम बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं है, मगर वोट इनके काम को देखते हुए इनको। कार्यकर्ता नहीं है पर वोटर तो है ना? हाँ वोटर हैं जी, इनके ही वोटर जी। यानी इस बार बीएसपी की? हाँ जी, बीएसपी को आनी चाहिए। हाँ बीएसपी को वोट करेंगे। ठीक है, तो इस बार जो है वो छवि कुमार जी जो है वो आपके यहाँ से वार्ड से दावेदारी कर रही हैं अपनी टिकट के लिए, तो वो सही रहेंगी फिर, या कोई और प्रत्याशी आना चाहिए? नहीं, अगर वो आती हैं तो और बढ़िया है जी। भाई वो आती हैं तो और बढ़िया है, हमारे निजी संबंध भी हैं उनसे जी। और उनके काम भी देखे हमने, काम कराते हैं, जरा जरा सी बहुतों को लोग सब उनके पास चले जाते हैं और वो काम कराते हैं जी। तो यानी इस बार बीएसपी आनी चाहिए और हम अपनी चमन कुमार जी की वाइफ आनी चाहिए, छवि कुमार जी। हाँ जी छवि, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आपसे भी पूछना चाहूंगा, पानी लेके घूम रहे हो, पानी आ नहीं रहा क्या? साफ पानी नहीं आ रहा क्या तुम्हारे राज्य में? पानी आवे कोई नहीं, सरकारी ऐसी है, जो जीत गई वो प्लब कोटा पूरा करे, भैया बैठ गए उन्हें सोच लेते गवर्नमेंट हमें देगी देगी, 1,00,000 रुपए पेंशन मिलेगी, आराम से बैठे खाएंगे, समझे? यहाँ के गली को तो कोई काम करके दे ही ना रहे को, अपनी गली को जीते हमें कहने मतलब तो रहेगा, उन्हें शर्म तो खुद आएगी, भाई हमारा रोड खुदा पर हम काम कराए, बिल्कुल समझे, काम कराने कोई राजी नहीं है, बाहर के जीत जाते अपना आराम बैठ जाते, समझे? हम कहने का मतलब ये, हमारी गली का अपना आदमी खड़ा होना चाहिए, समझे? और हम आप वोट देंगे हाथी को। अच्छा ये हमारा वादा है। अच्छा गली का खड़ा होना चाहिए और हाथी को वोट देंगे? बात को देंगे, क्लियर कहना है, बिल्कुल क्लियर, और देते आए सारे। अच्छा चमन कुमार जी को जानते हो? हाँ खूब जाने, उनकी वाइफ को जानते हो? जानते हैं, पूरे को जानते हैं, पिताजी तक को जानते हैं। अच्छा उनके नहीं है अभी के आदमी बढ़िया है। प्रत्याशी के रूप में और लोग भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या छवि कुमार जी को टिकट मिलती है तो साथ देंगे? बात ये कि हम है क्या, जो चमन जी खड़े हो जाएंगे तो इनको दे देंगे, पहले के मतलब ये है क्या, समझे? बाहर के खड़े होंगे देंगे, लेडीज सीट है आपकी बात, लेडीज को देंगे तो आपको सी बात है, लेडीज तो खड़ी रहेंगी, काम तो करेंगे वो करेंगे। अच्छा। वो कर जाएंगे बेचारी वहाँ करने के लिए, जो काम करेंगे वो करेंगे, वो भी करेंगी, बस तो क्यों नहीं करेंगी, युवा है वो भी। हम तो कहने का मतलब ये है कि हमने वो खड़े करें इसलिए,
समझे, ऊपरली सिटी में चलो निचली चलो, निचली चलोगे तो आगे जीत जाओगे। कल्याणपुरी को पहले पार्षद था, अब बन को विधायक है, बाकी लहर में चलने आए उन्हें शिकल देखी ना, जब तक पाम तर पर चाचा बाबा नो करूंगा, अभी तक तुम्हारे कच पर होना रोना। अच्छा, यानी आपकी गली की रहेगी तो हाथ पकड़ के काम करवा भी लोगे। हाँ वो तो है ही, ये तो तुम भी जानते हो इस बात को कि तुम्हारा चाचा होगा तो चाचा या करे और करना पड़ेगा चाचा है और चाचा अंत को तो तुम कर दो कहा साहब, चिंता मत करो। ये जी हमारा कहने मतलब ये हाथी कहाँ दे रहे हो आप? अपने हाथी को देंगे, चमन जी को देंगे, जिताएंगे। परिवार कहाँ दे रहा है? परिवार मेरा गिरा तो लंदन में ना परिवार गिरो घर राजपुरी कॉलोनी एक लंबा गली में, वो भी हाथी को। हाथी के बोले ये हमारा दावा है और लेकर के मान के सीट को। अच्छा ये सीट आ गई तो फिर ये गैलन लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो अपने इंतजाम कराएंगे इसका, अच्छा खुद अपने आप पैर भी करेंगे। अब यहाँ कोई कर कर सारा पानी बिल्कुल दो पैसे का नहीं आ रहा, समझे, सबल सेवल लग रहे हैं उनको फसाले बंद कराने के चक्कर में डोल ले। ये कौन सी कानून कह रही है? तो यार ये पानी सही आया है करेगा फिर और कब बंद करा दिए, समझे ना, तो आज तक पार्षद ने करी वो विधायक रह के 15 साल करके अमरीश जी और तमे के करके करके केजरीवाल के रो में केजरीवाल के रो में जीत रहे हवा तब केजरीवाल का देखवा रहे क्या हरो है बच्चा भी तो ये कर रहे हैं ऊपर ले चमचा ये सोच लो आप। धन्यवाद। इसी कड़ी में मेडिकल डिपार्टमेंट होता है तो मेडिकल लोगों से भी बात करनी चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब मेजर रणवीर सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि रुझान क्या लग रहा है, एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है दिल्ली में और आपका घड़ौली वार्ड में प्रत्याशी भी बहुत सारे आ रहे हैं और हर पार्टी के आ रहे हैं, क्या लग रहा है किस पार्टी को आना चाहिए आपकी बात? जो अभी तक का ट्रेंड है वो ट्रेंड ये कहता है कि प्रोबेबली आम आदमी पार्टी दिल्ली में रन करेंगे, नंबर वन। नंबर टू हम बात करते हैं अपने क्षेत्र में घड़ौली के बारे में, तो यहाँ से पिछला यदि डाटा उठा के देखें तो वो फेवर BSP को कर रहा है, तो इसके लगभग 100% चांस है कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो वो BSP से ही यहाँ की सीट निकलेगी। आंधी चाहे आम आदमी पार्टी हो, BJP हो, कांग्रेस हो, लेकिन यहाँ पे उसका असर अभी तक तो देखने में आया नहीं, इतिहास ये बताता है। अच्छा इसमें एक चीज़ और आ रही है कि आपके आस पड़ोस में ही चमन कुमार जी हैं, एडवोकेट चमन कुमार जी, उनकी वाइफ जो है वो दावेदारी कर रही है टिकट के लिए, अगर वो खड़ी होती है BSP से, जैसे कि आप BSP की बात कर रहे हैं, तो क्या वो सही कैंडिडेट रहेंगे या कोई और कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि 3-4 कैंडिडेट और भी? देखिए यहाँ पर कैंडिडेट मैटर इसलिए नहीं करता कि पार्टी को वोट मिलेगा, कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, तो एनीवन कोई भी खड़ा हो जाए तो उसे तो जीतना है, नंबर वन। रही बात वकील साहब की, चमन जी की वाइफ की, तो चमन जी की छवि यहाँ पर पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं साफ सुथरी है इस मामले में, तो वो उनके लिए एडिशनल और प्लस पॉइंट होगा जीतने के लिए, तो जीत मोर और लेस 100% है, तो हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। अगर उनकी वाइफ हाँ 100% 100% सिलेक्शन 100% है, इसमें कोई कांटे की टक्कर नहीं है, कोई एक तरह से निर्विरोध तो नहीं बोल सकते क्योंकि बाकी पार्टी भी अपने कैंडिडेट लाएंगे, लेकिन मोर और लेस स्थिति ऐसी रहेगी। हाँ बिल्कुल हाँ 100%। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपकी शॉप है, मेडिकल शॉप है, बहुत सारे लोग आते हैं, क्या चर्चा है कि इस वार्ड में कौन आना चाहिए? देखो यहाँ जो है 60% SC है और वो BSP को सपोर्ट करते हैं, बदनाम तो फिर भी हैं, अगर कहीं और डालेंगे वोट फिर भी कहेंगे यार इन्होंने जो है ना BSP को ही हाथी को वोट दिया होगा। और मेरे दोस्त हैं चमन वकील जी, ठीक है ना, उनकी मिसी जो है छवि, पहले भी इलेक्शन लड़ा उन्होंने, मजबूत हैं, एरिया में अच्छी पकड़ है और हम चाहते हैं कि शायद सीट यही निकालेंगे। कोई और अगर कैंडिडेट खड़ा होता तो नहीं देखो ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि लहर यहाँ इस टाइम पर आपकी है दिल्ली के अंदर, जो लोगों को तो पानी बिजली दिख रहा है, लेकिन कोंडली विधानसभा में ये काउंसलर वाली सीट है जो दिल्ली की नाक है, तो यहाँ से ये सीट BSP की ही जाएगी, 100% निकलेगी, ये मेरा वादा है।
मेरा बीएसपी को जाएगा। पूछना तो नहीं चाहिए, आपका वोट है। देखिए वोट बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जहाँ तक हमारे कैंडिडेट की बात है तो हमें तो अपने कैंडिडेट को देना है। और रही बात चमन जी की, तो वोट कहीं और ना जाने की एक वजह भी है, क्योंकि वो वकील बाद में है, विधायक का इलेक्शन बाद में है, वो हमारे क्लास में है, तो बताने की जरूरत ही खत्म हो गई कि वो कहाँ जाएगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने, मेजर साहब ने दबे शब्दों में कह ही दिया है कि वोट कहाँ जाएगा। आप भी समझ चुके हैं कि वोट कहाँ जा रहा है। और भी कुछ लोगों से बातें करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ बीएसपी का कितना दमखम है, या आम आदमी पार्टी का, या बीजेपी का, या कांग्रेस का है, किस किस का दमखम है अभी, और देखते हैं। आइए ये है, और लोगों से भी बात करते हैं। निगम के इलेक्शन आ रहे हैं और सभी पार्टियाँ जो हैं अपना दमखम लगा रही हैं, क्या लगता है आपके वार्ड में कौन आ रहा है? हम तो जैसे सोचते हैं कि बसपा का प्रत्याशी आ जाए तो ठीक है जी, और अच्छा रहेगा जी, क्योंकि हमारे समाज से, वर्ग से संबंधित रहेगा जी। अच्छा, यहाँ खड़ौली वार्ड में चमन कुमार जी की वाइफ हैं छवि कुमार जी, और भी प्रत्याशी हैं कुछ, तो क्या लग रहा है कि छवि कुमार जी को ही टिकट मिलना चाहिए या किसी और को मिलना चाहिए जो काम बेहतर करे? हम तो कह रहे हैं जो अपने समाज से संबंधित हो, वर्ग से संबंधित हो। देखिए समाज और वर्ग से ही होंगे वो लोग भी, जो और कैंडिडेट हैं वो भी समाज और वर्ग से ही होंगे, तो हम तो अपने समाज से संबंधित जो प्रत्याशी है ना उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी को लाने की कोशिश करेंगे। देखिए सुमनलता जी हैं वो भी आपके समाज से हैं, जो राज रानी जी हैं वो भी आपके समाज से हैं, और छवि कुमार जी हैं वो भी आपके समाज से, तो तीनों में से बेटर कौन रहेगा? जो हमारे पूर्व प्रत्याशी चमन कुमार जी विधायक के लिए इलेक्शन लड़े तो उनकी पत्नी है, तो वही सबसे बेटर रहेंगे, वही बेटर रहेंगे। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, यही इनको ही लाना क्षेत्र में सही है और जिताना भी उचित है। आप और आपका परिवार कहाँ वोट दे रहे हैं? चमन कुमार जी को बसपा प्रत्याशी के लिए, बसपा को बीएसपी को। हाँ जी, यानी गोंडली में बीएसपी ही आ रही है अपनी बारी, रिपीट मार रही है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, धन्यवाद सर। सभी लोग ये कह रहे हैं कि चमन कुमार जी की वाइफ अगर यहाँ पर खड़ी होती है तो शायद वो फुल बहुमत से जीतेंगी और 100% जीत सकती हैं। मैं बता दूं आपको कि घड़ौली वार्ड में हूँ, 006E वार्ड है ये, और कौंडली विधानसभा में आता है, और चमन कुमार जी, एडवोकेट चमन कुमार जी की वाइफ छवि कुमार जी को यहाँ पर लोग, सब लोग लाइक कर रहे हैं। अब देखना ये है कि हेड ऑफिस से क्या आदेश आता है, जी हाँ, यानी कि बीएसपी कार्यालय से क्या आदेश आता है और छवि कुमार जी के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, कौंडली विधानसभा से।